पूरे देश में कोरोना वायरस ने यहां पर सनसनी मचा दी है। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले यहां पर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और पूरे देश में देशव्यापी असर अब कोरोना वायरस का दिखने लगा है। अगर बात कुछ दिनों के आंकड़ों की जाए तो लगातार यहां पर आंकड़ों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। पूरे देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश ने एकजुटता दिखाई। आपको बता दें कि अभी तक पूरे देश में कोरोना के संक्रमण से 3,500 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो कि प्रभावित हो चुकी है। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वायरस के चलते 83 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 3,577 संक्रमण के शिकार हो गए हैं। देश में बीते अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 505 नए मरीज सामने आए, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 275 है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। उधर चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना ने पूरी दुनिया में तांडव मचा रखा है। कोरोना वायरस के चलते दुनिया में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12,74,000 की आंकड़े को पार कर चुकी है। तो 59,000 से अधिक मौत इस वायरस के चलते हो गई। अकेले इटली में मौत का आंकड़ा 15,000 को पार कर गया। तो वहीं अमेरिका की अगर बात की जाए तो मौत का आंकड़ा 10,000 के पास पहुंचने वाला है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में ही करीब 1,200 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूरोप के 11 देश कोरोना की फिलहाल चपेट में हैं। अगर बात यूरोपीय देश स्पेन की जाए तो यहां पर भी कोरोना के चलते हुए मौत का आंकड़ा 12,641 तक पहुंच गया। कोरोना से स्पेन में पिछले 24 घंटे के भीतर 694 लोगों की मौत हुई जबकि 5,478 नए केसेस सामने आए और कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,31,646 तक पहुंच गई। दुनिया भर में लगातार कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है। कोरोना को हराने के लिए सभी प्रतिबद्ध है लेकिन आपको बता दें कि 59,000 से अधिक मौत इस वायरस के चलते अभी तक हो गई है। विश्वव्यापी संकट बनकर कोरोना अब उभर रहा है। 12 लाख की संख्या पॉजिटिव मरीजों की विश्व भर से पार कर चुकी है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब घातक रूप ले चुका है, पूरे देश में फैल चुका है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने भी इसके आगे अपने घुटने अब टेक दिए हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1,241 लोगों की मौत यहां पर दर्ज की गई अमेरिका जैसे देश में। यूरोपीय देशों में 14 देशों को यहां पर उसने अपने चंगुल में ले लिया है। दुनिया भर में कोरोना का तांडव लगातार जारी है। उनहत्तर हजार मौतें अभी तक इस वायरस के चलते पूरे विश्व से दर्ज की गई है। 12 लाख का आंकड़ा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, काफी ज्यादा गंभीर ये समस्या हो गई है, विश्वव्यापी ये समस्या हो गई है। दिन ब दिन आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने भी अब इस वायरस के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। बीते 24 घंटे में 1,200 मौत, काफी बड़ा आंकड़ा प्रीत। बिल्कुल, बीते 24 घंटों में देश के अंदर 109 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये जो लॉकडाउन है, हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी इसकी काफी तारीफ की गई, लेकिन इसको अभी और भी मैच्योरिटी की तरफ गंभीरता के साथ इसको आगे इसी तरीके से फॉलो करते रहना है। प्रधानमंत्री ने आज फाउंडेशन डे, बीजेपी के फाउंडेशन डे के मौके पर जो भाषण दिया उसमें ये कहा है कि इस तरीके से तमाम जो लोग इसको लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं इन्हें और फॉलो करने की जरूरत है। हालांकि इस बीच में पूरी जो दुनिया है इसमें भारत की तारीफ हो रही है कि जिस तरीके से गंभीरता से हम लोगों ने लॉकडाउन को फॉलो किया, इसको इसी तरीके से फॉलो करते रहना है क्योंकि लॉकडाउन जो है कोरोना से लड़ने का एकमात्र उपाय है। जी जी जयती।
प्रीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी। जिस प्रकार से कल हमने देखा रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए पूरे देश ने यहाँ पर अपना सहयोग और एकजुटता का यहाँ पर पूरे विश्व को संदेश दिया, किस प्रकार से मिला जुला असर क्या देखने को मिला, या फिर लोगों में इस चीज का उत्साह था कि इस संकट के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, अडिग रहना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि अंधेरे में एक प्रकाश नजर आएगा, जिस तरीके से लोग दिया जलाएंगे अपने घरों में, लाइट बंद करके बालकनी में आके जाके बाहर आके एक कैंडल, एक मोमबत्ती या ये कहा जाए कि एक टॉर्च या दिया लेकर बाहर आए। हालांकि इसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस को इतना गंभीरता से नहीं लिया। एक बीजेपी की जो कार्यकर्ता है यूपी में, उन्होंने गोली भी चलाई, कुछ कार्यकर्ता मशाल लेके बाहर आए, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन जरूर किया, लेकिन काफी हद तक इसकी सराहना की गई, जिस तरीके का स्टेप लिया गया, कहीं ना कहीं आगे लोगों में एक गंभीरता पैदा करता है ये। और इस बीच में जिस तरीके से इन लोगों को प्रोत्साहित करता है, वो लोग घरों से निकलकर जरूरी कामों में जुटे हुए हैं, उनकी प्रशंसा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अभियान है। ठीक इसी तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद प्रस्ताव अभियान चलाने की अपील की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि जिस तरीके से ये तमाम वर्ग, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, सरकारी अधिकारी हो, वो अपने काम में जुटे हुए, उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रीत। आपको एक बार फिर से बता दें, पूरे देश में यहाँ पर कोरोना का संकट गहराता ही जा रहा है, विश्वव्यापी समस्या के तौर पर ये समस्या बन चुकी है। 12 लाख का आंकड़ा पूरे विश्व में पार कर चुका है, 69,000 लोगों की मौत इस वायरस के चलते दर्ज की गई। इसी बीच कल रविवार का दिन था, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए यहाँ पर प्रकाश का स्रोत किसी भी प्रकार का जलाकर यहाँ पर एकजुटता का संदेश भारत ने विश्व के नाम यहाँ पर दिया।